मौसम बदल चुके हैं और बरसातें स्टार्ट हो चुकी हैं। और यह है समुद्र देवता का कहर जो बर्फ रहा है कश्मीर भाई पे। दुन्दु। तो दोस्तों ये है वो इलाका जहाँ पर लैंडस्लाइड आया है, जबरदस्त लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है कल रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई है। मेरे सामने जो नज़ारा है बहुत ही ज्यादा शानदार है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो नया मौसम है और नया टूर है, गर्मियाँ जा चुकी हैं और हिमाचल में अब आ गई है बरसात। तो मैं चला हूँ मंडी के लिए, एक ऑफिशियल टूर भी है तो जहाँ मिलेंगे मुझे हितेश्वर, ललितेश और साथ में मेरे एक कलीग आ रहे हैं कांगड़ा से, तो उनसे भी मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी पे दार्जिलिंग मंडी में। मौसम बदल चुके हैं और बरसातें स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी हम निकले हैं मंडी के लिए। चलते चलते काफ़ी लेट हो गए और क्योंकि कुछ एक मीटिंग्स थी उनको निपटाना ज़रूरी था और अभी धुंध पड़ी है सारे में। तो मेरे एक कलीग मिलेंगे मुझे मंडी में और आज हम उनके साथ ही रहेंगे, तो देखते हैं क्या आज मंडी में करते हैं हम। तो बने रहिए मेरे साथ। जब मैं शिमला से चला था तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी और अभी मैं पहुंचा हूं दाड़ला घाट के पास, बल्कि दाड़ला घाट क्रॉस कर गया हूं। तो यहां मौसम ठीक है, यहां अभी कोई बारिश नहीं है। देखते हैं, शायद मंडी इस वक्त थोड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो देखते हैं अभी मंडी जाके क्या हाल है मौसम के। भाई हम अभी पहुंच गए हैं कीर्तपुर मनाली वाले फोर लेन पर और यहाँ पर मौसम में बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी यहाँ को बारिश वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा गर्म है यहाँ मौसम, बिकॉज ये इलाका जो है इस वक्त अभी बिलासपुर का इलाका है। तो अभी आगे दो टनल्स भी आएंगी, तो उसके बाद हम सीधे सुंदरनगर यानी कि हम मंडी में एंटर कर जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखाते रहेंगे और भी नज़ारे मंडी तक के। दोस्तों ये है दूसरी सुरंग या टनल और इसको क्रॉस करते ही हम एंटर कर जाएंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में और सुंदरनगर की जो बाउंड्रीज है वो हम टच कर देंगे। सुंदरनगर से पहले एक डायवर्जन पे आ गए हैं और यहाँ से जो सुंदरनगर शहर है वो शायद बाईपास हो जाएगा, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। और साथ में यहाँ से दिख रही है सुंदरनगर लेक, नज़ारा बहुत ही शानदार है और रोड बिल्कुल नया बना हुआ है। तो लेट्स सी क्या हम सुंदरनगर को क्रॉस कर पाते हैं, किस तरह से जाते हैं या सुंदरनगर के बाहर से निकलते हैं या फिर ये रोड शहर में से होकर जाएगा। तो भाई ये रोड बहुत सही था और मुझे इससे सुंदरनगर शहर में नहीं जाना पड़ा, मैं बिल्कुल बाहर आके निकला सुंदरनगर शहर की हसल बसल से। तो बट रोड अभी नया बना है तो बरसात के कारण कुछ एक जगह पे खड्डे वड्डे हैं, थोड़ा अनइवन है, बट स्टिल इट विल सेव योर टाइम। तो अगर आप मनाली की तरफ जा रहे हैं तो उस डाइवर्जन से सीधे आप सुंदरनगर को जो रोड बाईपास करता है फोर लेन उससे होके जाएँ, इट विल सेव योर टाइम। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने पुराने शहर मंडी। पुराना शहर इसलिए क्योंकि मैं यहाँ दो ढाई साल रहा हूँ
मेरी पोस्टिंग रही है यार। ये है मंडी की गलियां, कभी हम यहाँ पर घूमा करते थे, मैं और मेरे एक कलीग होते थे मिस्टर मनोज, तो हम इन गलियों में बहुत घूमे हैं। और ये सामने मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर है महामृत्युंजय का। बहुत कम मंदिर है हिंदुस्तान में जो महामृत्युंजय के नाम पे है। और ये है मेन चौक मंडी शहर का। हम अभी जा रहे हैं डारना रोड को, और यहाँ है सर्किट हाउस, जो कि ऑलरेडी मैंने बुक कराया है आज के लिए, क्योंकि तो होटल्स यहाँ पर सच में अच्छे नहीं मिलते हैं मंडी में। तो अगर आप मंडी रुक रहे हैं तो या तो आपको एक्सपेंसिव होटल्स मिलेंगे या फिर आपको नॉट वेरी गुड होटल्स मिलेंगे। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, मंडी ये इशू रहेगा ही रहेगा। ये है सर्किट हाउस मंडी। भाई हम पहुंच गए अभी रेस्ट हाउस, और ये रहा ललतेज, ये रहा समुंदर देवता, और ये है हमारे कश्मीर भाई। और अब ललतेश को जाना है शिमला, तो ललतेश हमारे को छोड़ के भी जा रहा है। ठीक है। और ये है समुद्र देवता का कहर, जो बर्फ रहा है कश्मीर भाई पे, और कश्मीर भाई ये समुद्र देवता का कहर पता नहीं किस तरह से सहन कर रहे हैं। तो भाई अब समुद्र देवता चला है घर को, और समुद्र देवता को हम कर रहे हैं भाई समुद्र देवता। एक वो ऐसे बड़ा दे दे तू, दोनों 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 एक और दे दे। फ्रंट पे लगनी चाहिए फोटो, ये फ्रंट पे लगेगी भाई। बंदे ने थंबनेल का दे दिया मुझे एक सीन, अब थंबनेल पे डाल लेंगे इसको। ये देखो बंदा तैयार है बिल्कुल। तो ठीक है जी, समुद्र देवता को भेजते हैं और आपसे मिलेंगे कल। कल जाएंगे हम मंडी शहर, तो मैं और कश्मीर कल हम एक्सप्लोर करेंगे मंडी शहर, तो आपको दिखाएंगे कल मंडी शहर के नज़ारे। और तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर तार साउंड। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की सुबह हो गई है और आज मैं और कश्मीर रहेंगे पूरा दिन मंडी में, और आपको भी कोशिश करेंगे दिखाने की मंडी शहर के नज़ारे। वैसे तो मौसम ख़राब है, बारिश वाला है, और लगातार बारिश हो रही है पिछली रात से, तो देखते हैं कितना भी मौका मिल पाता है हम आपको मंडी शहर घूमने का। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। भाई जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ लगी है बारिश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला दिन है और सुबह से बारिश लगी हुई, इनफैक्ट कल रात से बारिश हो रही है मंडी में बहुत ज़बरदस्त। और अभी मैं निकल रहा हूँ सर्किट हाउस से, और हम जा रहे हैं मेर चौक, फिर मीटिंग है उसके लिए। तो दिखाते रहेंगे आज आपको पूरा दिन नज़ारे, बाकी अगर टाइम लगा तो आपको इंद्रा मार्केट भी घुमाएंगे अगर मौसम ने साथ दिया तो, क्योंकि हमने आज इंद्रा मार्केट भी जाना है। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए, और अभी आगे शायद कोई लैंडस्लाइड हुआ है बाइक भी, फिलहाल बारिश लगी हुई है।
हैं नज़ारा मंडी का। भाइयों अभी हम मंडी से नेरचौक जाते हुए बिल्कुल मंडी के पास फंस चुके हैं। यहाँ पर शायद कोई लैंडस्लाइड हुआ, काफ़ी देर से जाम लगा हुआ, लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं मुझे अभी जाम में फंसे हुए। तो लेट्स सी क्या है आगे, अभी फ़िलहाल तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो भाई यही है, बरसातों में चीज़ें एकदम से डिफरेंट हो जाती हैं आपके लिए, जो सीधा चलता हुआ रास्ता भी डिफ़िकल्ट बन जाता है। लेट्स सी अभी पुलिस की गाड़ी गई है, देखते हैं क्या है आगे। तो दोस्तों ये है वो इलाका जहाँ पर लैंडस्लाइड आया है, ज़बरदस्त लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है कल रात को, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और ऑलमोस्ट पूरा पहाड़ आ गया नीचे। अभी इन्होंने साफ़ किया, यहाँ बेचारे पुलिस वाले भी खड़े हैं बारिश में और हम बिल्कुल अभी इस पहाड़ के नीचे खड़े हैं। बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ से। भाई अभी जोश आ रहा है हिमाचल की तरफ वो बड़ा कॉशियसली आए, अगर आपके पास 4x4 व्हील ड्राइव्स हैं और अगर नहीं है तो फैमिली के साथ आगे फंसे ना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बढ़ने शुरू हो जाएंगी। ये अभी पहली बरसातें हैं मानसून की और ये हाल है आपके सामने। तो भाई हम पहुंच गए वापस अब सर्किट हाउस और साथ में है सुंदर देवता और बस अब ये हम चले अभी रूम के लिए और कश्मीर भाई अभी आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं अभी क्या बनता है। और ये कश्मीर भाई तो नहीं है, कोई और ही आया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आज की सुबह हो चुकी है, मौसम बिल्कुल ख़राब है कल की तरह ही और लगातार बारिश लगी हुई है, हर जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो आज हमारी एक या दो मीटिंग्स हैं, मैं और जो मेरे कलीग हैं कश्मीर वो निपटाएंगे और उसके बाद विल ट्राई टू मेक अ जर्नी बैक टू शिमला अर्ली, सो दैट हम अवॉइड कर सकें किसी भी तरह की कोई रूट ब्लॉक्स को या कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाते रहेंगे आपको कि बारिश क्या कर रही है हिमाचल में इस वक्त, किस तरह के मौसम अगर आप आ रहे हैं तो आपको किस तरह के रोड्स या किस तरह का मौसम मिलने वाला है। वही अब चल पड़े हैं मैं और कश्मीर वापसी को, और कश्मीर बाबू जी बैठे हैं वहाँ, परेशान हो रहे हैं, हम लेट हो गए हैं लेकिन हमारे साथ रहेंगे तो लेट तो हो गई तो बस सब तैयारी है शिमला को, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है तो अभी देखते हैं हम रास्ते कैसे मिलते हैं हमारे पार्टी। टिल द टाइम बी विद अस। तो फ्रेंड्स वापसी की तैयारी है, निकल गए हम सर्किट हाउस से और अभी हम जा रहे हैं मेन शहर मंडी।
भाई पहुंच गए हम इंदिरा मार्केट, मैं और समुद्र देवता। और यह मंडी का घंटाघर फेमस, नीचे है इंदिरा मार्केट। इसको क्या बोलते हैं जो सामने है, ये पीछे पीछे पीछे, हाँ। और ये है सेरी मंच, मोस्ट फेमस प्लेस इन मंडी। मिलेगा मेरे को 5 तारीख को शिमला लास्ट मार खाएगा तू अब तो। गाइस फाइनली मंडी मार्केट थोड़ा बहुत घूमने के बाद अब हम वापसी हमने कर दी है शिमला के लिए। और ये है मंडी का एंट्रेंस का पुल, पुल घराट बोलते हैं इस जगह को। यहाँ से शहर स्टार्ट हो जाता है और इस पुल को क्रॉस करते ही शहर ख़त्म भी हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं सुंदर नगर, सुंदर नगर एक मीटिंग है उसको अटेंड करने के बाद फिर हम सीधे निकलेंगे शिमला को। तो भी देर आपको दिखाते हैं, अभी बरसात भी काफ़ी हुई है कल रात से, तो देखते हैं रोड्स कैसे हैं, क्या डिस्टर्बेंस है रोड्स पे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ों पे कितने ज़बरदस्त बादल आ गए हैं और इस वक्त शिमला वाले एरिया में बहुत ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है। फिलहाल यहाँ पर अभी ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई है, ऐसा सच कुछ ज़्यादा बारिश तो नहीं है क्योंकि रात को काफ़ी बारिश हुई है। और हम अभी पहुँच रहे हैं सुंदर नगर, तो देखते हैं अभी आगे क्या रास्ता है। तो दोस्तों हम रास्ता भटक गए थे और अब हम अंदर के रास्ते से कहीं कहीं से घूम कर पहुंचे हैं वापस सुंदर नगर शहर। और ये है मेन शहर और ये है बस स्टैंड सुंदर नगर का। तो अभी एक यहाँ मीटिंग है उसको निपटाएंगे, उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर हम निकलेंगे वापस शिमला को। लगभग 2:21 हो चुके हैं और कोशिश मेरी है कि मैं शिमला जो है आज जरा टाइम से लाइट लाइट में पहुँच जाऊँ क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है उत्पन्न वाली साइड। तब तक आप नज़ारा लीजिए शहर के बाजार का। फाइनली अब हम निकल पड़े हैं सुंदर नगर से, लगभग 3:45 हो गए हैं और थोड़ा सा लेट हो गए। तो मौसम ठीक है, यहाँ पर कोई बारिश नहीं है काफ़ी देर से, मैं यहीं पर हूँ। देखते हैं अभी आगे क्या मौसम है। फिलहाल लग रहा है कि अभी शायद शिमला तक मौसम ठीक लगे क्योंकि शिमला भी बारिश रुक चुकी है। लेट्स सी। अभी हम पहुँच रहे हैं बिलासपुर के पास और मौसम थोड़ा बदल गया है, यहाँ बादल हैं और लग रहा है बारिश आने वाली है क्योंकि अगर यहाँ से पहाड़ियाँ दिख रही हैं तो लग रहा है कि वहाँ बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम बिलासपुर पहुँच रहे हैं और उसका नौणी से हम डाइवर्ट हो जाएंगे शिमला के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट बिलासपुर के पास
आप बोल सकते हैं बिलासपुर से ऑपोजिट साइड पे 4 लेन पर, और मेरे सामने जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये है प्लेन्स बिलासपुर के, और सामने वो जो सेटलमेंट दिख रही है वो है बिलासपुर शहर जहाँ मैंने अपने 3 साल काटे हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने बादल आ गए हैं, ये शिमला वाली साइड है, यहाँ काफ़ी घने बादल हैं, बिल्कुल काले बादल हैं, तो लगता काफ़ी बारिश मिलेगी आगे। खैर अभी यहाँ पानी बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बरसातें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पर पानी बढ़ता जाएगा और ये पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। मैं वापस पहुंच गया हूँ दाड़ला घाट, और यहाँ मौसम ठीक है, कोई ख़ास बारिश है नहीं जैसे कि लग रहा था, क्योंकि शिमला आज बारिश हुई है, तो फिलहाल तो रोड्स आर गुड हेयर। बाकी अभी इससे आगे हो सकता है रोड्स कैसे मिले, बट ये है कि थ्रू आउट अभी रोड्स चल रहे हैं, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि जैसी बातें सुनने में आ रही थी कि रोड्स कहीं ब्लॉक हुए हैं, तो अगर हुए भी हैं तो बड़े टेम्परेरीली हुए हैं, बट स्टिल अभी भी शिमला पहुंचना बाकी है, मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा अभी शिमला पहुंचने में। तो दोस्तों मैं अब पहुंच गया हूं शालाघाट से आगे, और हम शिमला के आसपास ही हैं, और आप देख सकते हैं कितनी धुंध पड़ी हुई है और विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, बट स्टिल बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। तो बरसातों में खासकर अगर आप इस वाले एरिया में निकल रहे हैं, शिमला के आसपास के ट्रैवल कर रहे हैं, तो अमूमन ये आपको धुंध मिलेगी रोड्स पे, और आपको बड़ा कॉशियसली गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे आगे। लुक एट दिस गाइस, मैं इस वक्त तक घनाटी पहुंच गया हूं, शिमला से थोड़ा सा ही दूर हूं, बट विजिबिलिटी जो है बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं दिख रहा है रोड पर, बड़ा तुक्के में गाड़ी चला रहा हूं इस वक्त, बट स्टिल मुझे इतना तो दिख रहा है कि मैं गाड़ी चला सकूं। सो ऐसे मौसम में आप तभी गाड़ी चलाएं अगर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलानी है। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, तो ये था मंडी का ब्लॉग, और हम रात को पहुंचे हैं लगभग कोई 8-8:30 बजे। जैसा कि आपने देखा मौसम थोड़ा ख़राब था, बारिश भी हो रही थी और आधे रास्ते में धुंध भी पड़ी हुई थी। सो इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, और अगले ब्लॉग में है टूर फिर से धर्मशाला, कांगड़ा और पालमपुर का, और इस बरसात में हम फिर से जा रहे हैं पालमपुर, और धीमान जी ने रखा है कुछ सरप्राइज़, तो देखते हैं धीमान जी के पास क्या सरप्राइज़ है हमारे लिए। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, दैट्स द ओनली वे।